तो ठीक है गाइस, अपन आ गए हैं बाईपास पे और यहाँ से अपने को लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स, वो भी इस टाइम बिकॉज ऑफिस की छुट्टी है। अभी हो रहे हैं 7:39, एग्जैक्ट 40 मतलब 21 मिनट्स हैं। अगर पहुँच जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो एक आध मिनट ऊपर नीचे चलता है। बट जब संडे होता है, कोई ऑफ होता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 मिनट में पहुँच जाता हूँ मैं। बट अभी ट्रैफिक वाला सीन है तो देखते हैं। मेन सीन है बाईपास का, मेन सीन नहीं है, मेन सीन है मजरू के टीले का, क्योंकि वहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह खुल गए हैं तो सब अपनी गाड़ी वगैरह पार्क करते हैं, बाइकें पार्क करते हैं, कैब खड़ी रहती हैं, बसेस खड़ी रहती हैं, ऊपर से ट्रैफिक जाम अलग से। तो चलो चलते हैं। इतने दिनों बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मोटर व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओहो, मेरे टाइम पे रेड लाइट होनी होती है। और भाई साहब, बाइक का रिएक्शन, लोगों का रिएक्शन, मैं एक्चुअली क्या है कि अभी अंधेरा हो रहा है इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ और ज़्यादा ऑन नहीं कर रहा हूँ गोप्रो, वरना लोगों के पास से निकल रही है बाइक तो भाई साहब क्या रिएक्शन दे रहे हैं यार। अच्छा अच्छा है, आवाज़ सुन रहे हो गाइस, आवाज़ सुन रहे हो बाइक की। मैं कितना ही टाइम से निकल जाऊँ ना ड्यूटी के लिए, पता नहीं लेट हो ही जाता हूँ। ओहो अंकल, मुंह पे पिचकारी मार दो ना। तो मैं बोल रहा था भाई साहब, मैं कितना ही जल्दी निकल जाऊँ, कितनी ही जल्दी निकल जाऊँ, बट कहीं ना कहीं कुछ ना लेट निकलूंगा ना तो टाइम पे पहुँच जाऊँगा, जल्दी निकलूंगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, कहीं जाम मिल जाएगा, कभी कुछ दिक्कत हो जाएगी। भाई साहब मैं उसी टाइम पे पहुँचूंगा जितना मैं लेट निकलता हूँ ना, जिस टाइम पे पहुँचता हूँ उतना ही मैं उसी टाइम पे पहुँचूंगा जितना मैं जल्दी निकलूंगा। तो ठीक है गाइस, अपन पहुंच गए हैं और भाई साहब पीपीएफ भी मेरी ख़राब हो रही है, उसको दोबारा दिखाना पड़ेगा, 5 साल की गारंटी तो दी है उसने, चेंज करवाएंगे उसको भी। फटाफट चलते हैं, टाइम हो रहा है अभी 7:51, ठीक टाइम पे पहुंच गए यार अपन। तो ठीक है चलते हैं ऊपर और निकलते हैं फिर मॉर्निंग में। डे गाइस, गुड मॉर्निंग, इट्स अनदर डे और अपन निकल रहे हैं अब वापस घर की ओर, और बहुत अच्छा सा सरप्राइज देता हूँ मैं अभी आपको। कोई ना कोई मिलने वाला है हमें अभी, और किसी ना किसी को पिक करने वाला हूँ मैं अभी। बहुत दिन से बात नहीं हो रही थी बट फाइनली अब जाके बात अभी भी नहीं हुई है, बट देखते हैं। The next day. पीटू क्या कर रही है? तो ठीक है गाइस, शिवानी भी जा रही थी तब भी मैंने बनाया था, कनिका जा रही थी तब भी मैंने बनाया था, और अब स्वीटी जा रही है तब भी मैं बना रहा हूँ। इसको बोल रहा हूँ बट ये सुन नहीं रही है, बट ठीक है कोई बात नहीं। अनफॉर्चुनेटली हम गोयल जी को देखना बंद कर देंगे, है ना, हम मिस करेंगे गोयल जी को। नीचे रोज़ दिखते थे गोयल जी, पिक करने आते थे गोयल जी। बट कोई बात नहीं, ठीक है अब भाई, जिसको जाना है, जो जा रहा है उसको रोक नहीं सकते। हाँ, एक और स्टाफ कम हो गया, सब चले जाते हैं। चले जाते हैं, इसके बाद बस अब काजल को हम देखेंगे तो श्वेता की याद आएगी, और कुछ नहीं है। दो ही तो फूडी थी यहाँ पे, श्वेता को सिर्फ कंपेयर, श्वेता से कंपेयर सिर्फ काजल को कर सकते हैं, श्वेता को चैलेंज सिर्फ काजल कर सकती है। नौम, 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 नौम। ऐसे खाती है काजल, है ना? सॉरी काजल अगर तो ये व्लॉग देख रही है तो 24 तारीख को डायरेक्ट कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, जब श्वेता की लास्ट ड्यूटी मेरे साथ है, मेरे साथ होगी, है ना स्वीटी? कोई नहीं, लड़की ने जाते जाते ऐसी डकार मारी है, कुछ ज्यादा ही लंबी स्ट्रेच नहीं हो गई वो? स्ट्रेच हो गई ज्यादा। ओह ओह ऐसे ऐसे करती रहती है, पूरे कॉरिडोर में आप इसकी आवाज गूंजती है, सब पेशेंटों को आदत भी हो गई थी इसकी।
गार्ड, हाउसकीपिंग स्टाफ, डॉक्टर्स इन चार्ज, पेशेंट्स, सबको पता है कि स्वीटू है, सबको पता है स्वीटू है भाई, काउंटर से ही आवाज आ रही होगी। बुराई नहीं कर रहा है, एक तरी कोई कमी नहीं है, अब ठीक है, एक तरी पहचान है ये। सबको पता है कि भाई स्वीटू ही है। थर्ड फ्लोर तक आवाज जाती थी इसकी। 3 days later गाइस, सेकंड लास्ट डे है आज यार। आंटी दीदी की देखो लिपस्टिक अलग ही हाईलाइट हो रही है। मेरे नहीं बनाना, नहीं नहीं आपका नहीं बनाना, मैं थप्पड़ मारू। बस कितना किस हो गया इसके, निकल तो गया जहर। स्वीटू जाते जाते कुछ कांड मत कराइयो, खुद तो जाएगी, हमें भी ले जाएगी साथ में। लेटर लेकर आता है तुझे काटना? इनको बहुत अच्छे से आता है काटना। सुनील भी आते जाते देखते हुए जा रहे हैं, क्या कर रही है ये? अरे उसको देखो ना, क्या कर रही है वो? ये देखो हमारे ब्यूटीफुल सिस्टर, हटना जरा साइड में, इधर देखना। अरे पीछे का क्यों नहीं निकाला सर? निकाल दिया, थैंक गॉड। तो ठीक है गाइस, लास्ट टाइम श्वेता हमारे साथ खाना खा रही है, अनफॉर्चुनेटली। ये देखो मिस ब्यूटीफुल तो शर्माती रहती है। जो ब्यूटीफुल होता है वो शर्माता ही है। अभी भी टाइम है, देख लास्ट देना है, सेकंड लास्ट देना। ये वाइड एंगल खोल रखा है, पता पूरा आ रहा है ये। ए ब्रो, हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। बाइसेप कितने का हो गया? ठीक है गाइस, लास्ट टाइम हमारे साथ खा रही है लड़की, अच्छे बने रोल, सही में अच्छे थे। जल्दी लाइट्स ऑन करो यार, शर्मा क्यों रहे हो? चुपचाप जल्दी कट करो और निकलो। अरे यार चुपचाप जल्दी, ऐसे भगाओगे आप अपने स्टाफ को? ये तरुण का पजामा देखना छपरियों की तरह। गाइस इसका पजामा देखना जरा। पीछे हो गया, आ जा, बंद कर दिया। गाइस का पजामा देख, नीचे का क्या है पजामा? कितना चंटा यार तू, कितना चंटा है, नहीं रखा ना, चल वो चला ही नहीं पेन, मैंने बहुत कोशिश करी। लेके आया तरुण ने ना अभी इस टेडी को उठा के फेंका, तो भाई साहब इसने बोतल हाथ में ले ली। है ना, मानू ने बोतल हाथ में ले ली। अबे ओ ओ, उसके आगे तीन बंदे खड़े। ओ भाई साहब, पागल हुए रात में दोनों के दोनों तीनों। दिमाग में वहां खराब है क्या तीनों का?
बस यहाँ पे देखो दो इंटेलिजेंट बंदे बैठे किए रहा डांस के मामले में तो मत बोल देना तुम सच्ची तो वो आंटी करती है उल्टी साड़ी पहन के जो कर रही थी तरुण कह रहा है तेरे को रील भेजे वो तो देखता नहीं तू सिर्फ वही देखता है क्या फिट गल वगैरह को गाइस अब देखना गाइस अब देखो मैं इधर दिखा जो पीछे नाच रहे हैं ना वो जो पीछे नाच रहे हैं वो अलग हैं और आगे जो नाच रही है उसको ऐड करके डाला है उसमें देखो अबे अरे ये वाली नहीं यार अच्छा मिट्टी वो तेरी खुदाई करेंगे तरुण आज खराब कर दिया उसने मानो तेरी किस्मत में ना लिखा है नुकसान अब तनवीर थोड़ा सा डालो चंदन जी एक्चुअली हम हासिस ले रहे हैं भाई तनवीर और मेरे लिप्स थोड़े थोड़े फट रहे हैं भाई हो जाता ना एक ड्राईनेस हो जाती है तो तनवीर के थोड़े ज्यादा फटे हुए हैं तो तनवीर ने क्या किया मानो से लिप बाम मांगी इसने अभी नोटिस किया है इसको तो तुम्हारे क्या प्रवचन है जरा बोलना बाहर मत चले भाई बिक जाएगा लोग पूछ लेंगे क्या हिसाब किताब है रात का तरुण कह रहा है बाहर मत चले जाइए बिक जाएगा रात का हिसाब किताब क्या है पूछ लेंगे बिक जाएगा तो ये गाइस वो लड़की वहाँ पे खाना बना रही है और इस लड़की को आज मैंने बिठाया है तसल्ली से कि भाई साहब जल्दी पैकिंग कर दो हम सबकी मतलब मैं भी हेल्प करा रहा हूँ सोनाली भी अभी आ जाएगी हेल्प कराने अभी पापा को खाना खिला रही है तो ठीक है कहीं जाने का प्लान बन रहा है दोबारा से और पैकिंग करते हैं निकलना 1 तारीख को है तो इसलिए मैंने आज हो गई है 28 तारीख तो मैंने बोला भाई 2 दिन पहले या 3 दिन पहले पैकिंग कर लो फटाफट नहीं तो एंड टाइम पे पैकिंग नहीं होती हम लक्षद्वीप जा रहे थे तब भी हम दोनों ने थोड़ा हल्के में लिया था तो सोनाली ने पैकिंग कर दी सारी किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे हाँ परदेसी बिना तेरे शहर की